Welcome to Time News Studios. You are watching HBN Bulletin. वो ये चाहते हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह माइनस वन करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये माइनस वन हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली है। मैंने ये नहीं कहा, जिस तरह कभी को कहते हैं कुर्सी बड़ी मजबूत है, कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं है। स्ट्रगल के बगैर आज तक किसी ने दुनिया में कोई काम नहीं किया। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। कुर्सी अचणी वंजनी शे आहे, असां अज आहियूं सुभाणे न हूंदासीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ओपोज़िशन ते तनक़ीद कंदे चयो आहे त जिदोजहद सां ई माण्हू लीडर थींदो आहे। बिना जिदोजहद जे लीडर थियण वारा ई चवंदा आहिनि त जॾहिं बरसाति ईंदी आहे त पाणी ईंदो आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान चयो त NRO न मिलण करे ओपोज़िशन वारा चाहिनि था त कंहिं बि तरीक़े सां इमरान खान माइनस वन थी वञे। खेनि ख़बर न आहे त इमरान खान जे वञण खां पोइ बि मुंहिंजी पार्टी खेनि न छॾींदी। हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज्यादा असला लेके आए थे और जो एक दफा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते हैं। इन में को भी शक न है तो भारत मुंबई हमलन जड़ी रतोछाण कराने लाए रथाबंदी कई हुई। वजीर आजम इमरान खान चयो है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से हमले में भारत मुलविस है। पाकिस्तान के गैर मुस्तहकम कर लाए भारत दहशतगर्दी जो मनसूबो थे हो। मुंबई हमलन जिया रतोछाण कर लाए दहशतगर्द समूरो सामान खड़ी आया हुआ। कौमी असेंबली में खिताब दौरान हमले दौरान शहीद थे अहलकारन सिक्योरिटी गार्ड्स के भेटा पेश कदे इमरान खान चयो तो सिक्योरिटी इदारन बहादुरी से वही दहशतगर्दी की रिथाबंदी के नाकाम बनाए छोड़ो। सिंध के वे वजीर मुराद अली शाह स्टॉक एक्सचेंज से हमले दौरान दहशतगर्दन से मुहारो अटकाइंदे शहीद की वेल सब इंस्पेक्टर के वारसन के 1 करोड़ एक नौकरी। शहीद सिक्योरिटी गार्ड के वारसन लाए 50-50 लख रुपया एक नौकरी देने का ऐलान कर छोड़ो। टिन जख्मी अहलकारन लाए 10-10 लख बहादुरी से वेड़ कंदड़ अहलकारन के 5-5 लख रुपया देने जो भी ऐलान। तकरीब के खिताब के दौरान वे वजीर चयो तो जैकड़े दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज अंदर पहुंची वन हा तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी वो नुकसान थे हा। जवान दहशतगर्दन जो अंत आने हमलों नाकाम बनाया। वे वजीर आईजी सिंध मुश्ताक महर तकरीब दौरान शहीदन के भेटा पेश कदे ऑपरेशन में हिस्सों वटंद पुलिस के जवान में तारीफी सनदू विरायूँ। जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इंकार की तरह। ये तो अपनी यहाँ बेचते हैं, लड़ाई करते हैं। आओ, मैं भी फोन उठाता हूँ, आओ आओ ना मेरे साथ। नो प्लीज प्लीज प्लीज। सीता वाइट केस का जिक्र करते हैं सबसे पहले। जो शख्स अपनी बेटी को तस्वीर कबूल नहीं कर सकता, आप वाइंड अप करें, वाइंड अप में आप इस तरह गलत बात नहीं करेंगे। कोई बात उसने कौन सी अच्छी बात गलत बात की तो ठीक नहीं होगा। उसने कौन सी अच्छी बात की? आप तशरीफ रखें। सीता वाइट नहीं है सर। आप प्लीज एक बंद करें इसकी माइक, पूरी बंद करें इसकी माइक, बंद करें इसकी माइक। फरियाल टालपुर निसार मोराई के फिशरीज खाते जो चेयरमैन मुकर्रर करायो। निसार मोराई टिन कतलन जो एतराफ़ कर चुको है। कौमी असेंबली में वफाकी वजीर अली जैदी चयो त उज़ैर बलोच बे 58 माण्हुनि खे कतल कयो ऐं जिन माण्हुनि जे चवण ते उज़ैर बलोच कतल कया उहे पार्लियामेंट में अची बजट ते तकरीरूं करे रहिया आहिनि। अली जैदी जे बयान ते PP मेंबर्स जो एहतजाज ऐं गोड़ नवीद कमर कावड़ मां कोर्ट लाहे छॾियो ऐं वफाकी वज़ीर खे चयो त विढ़णु चाहियो था त अचो विढ़ो। अली जैदी चयो आहे त वज़ीर आज़म ते फिल्म ठहण ते फ़ख्रु थिए थो। ऑपोज़िशन 1 रुपए जी करप्शन साबित करे उन खां पोइ भले ज़लील कयो वञे। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल चयो त इमरान खान के बारे में अमेरिकी अदालत जो फैसलो मौजूद है। स्पीकर असद कैसर कादिर पटेल जी माइक बंद कराए छी। PP मेंबर्स एहतजाज का पोए वान मां वॉकआउट कर विया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेट्रोल समेत तेल जे अगन में घाटे तोड़ वाद खिलाफ दरख्वास्त बुधनी लाए मंजूर कर वरती। हवाबाजी बारे वफाकी वजीर गुलाम सबर खान के हटाने लाए दाखिल दरख्वास्त में बुधनी लाए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनुल्ला बिन्हीं दरख्वास्तों से सुभाने बुधनी कंदो। वफाकी सरकार मुल्क में पेट्रोल बोहरान जो कारण मालूम करने लाए एक भेरों बीहर जांच जो फैसलो करे वरतो। वजीर आजम इमरान खान तवानाई बाबत खास सलाहकार शहजाद कासिम की सरबराही में चार रुकनी जांच कमेटी जोड़े छी। कमेटी के 10 जुलाई तई जांच करे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कमेटी जांच दौरान बोहरान जो कारण ए जिम्मेवारन जो पतो लगाएंगी। पार्लियामेंट हाउस बाहरिया ओपोजिशन जो पेट्रोल महंगो थियण बजट खिलाफ मुजाहिरो। हथन में प्ले कार्ड खयल ओपोजिशन मेंबर्स तरफा हुकूमत खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज में पीपल्स पार्टी नून लीग ए जमात इस्लामी सूदो बेन ओपोजिशन जमातन के एम एन एस की शिरकत। ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल ए बेन ओपोजिशन अगवाणन है तो बजट का महंगाई जो तूफान अचण वो है। हुकूमत जो पेट्रोल बम किराया है उनका अवाम के सह खण की भी हिम्मत ना है। हुकूमत इतिहादन से गड आवाम जो भी एतमाद विञाए वेठी है। ओपोजिशन तरफा एक भेरों बीहर हुकूमत का इस्तीफा जो मुतालबो। सिंध सरकार वफाक लाए टैक्स उगाड़ी का बाजाबता तौर इनकार कर छो। एक्साइज एंड टैक्सेशन खाते के सूबाई वजीर मुकेश चावला वफाकी सरकार के खत लिखी छो जैमें है तो सिंध काबीना के फैसले तहत सुभाने का सूबाई एक्साइज एंड टैक्सेशन खातों वफाक लाए विदहोल्डिंग टैक्स उगाड़ी न कंदो। एफबीआर पा टैक्स की उगाड़ी करे सूबाई वजीर जो चवण हो तो वफाक सिंध जा कटियल 7 अरब रुपया वापस ना दिना। वफाक कें भी खत जो जवाब ना दिनो। यूरोपी मुल्कन में पीआईए जो फिजाई ऑपरेशन सुभाने का 6 महीनों लाए मुअत्तल। यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी पीआईए के इजाजतनामे के 6 महीनों लाए मुअत्तल कर छो। तर्जुमान पीआईए जो चवण है तो यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी से राबते में आयू संदन खदशा खत्म करने लाए कदम खड़ी रहा हूं। दखिण पंजाब सूबे के क्याम लाए राह हमवार थे लगी। पंजाब के वे वजीर उस्मान बोजदार दखिण पंजाब सेक्रेटेट के क्याम की मंजूरी दे छी। पुलिस ब्यूरोक्रेसी लाए हेडक्वार्टर मुल्तान जैसे सिविल ब्यूरोक्रेसी लाए हेडक्वार्टर बहावलपुर में कायम किया वो। कुछ हफ्ता अग दखिण पंजाब लाए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडिशनल आई जी पंजाब की मुकररी की भी मंजूरी दिनी वही हुई। इमरान खान माइनस थो तो जमहूरियत भी माइनस थी वेंदी। वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान के ट्वीट बयान सोशल मीडिया से नवा बहस छेड़े छड़ा। ट्विटर से बयान जारी कदे अली मोहम्मद खान है तो माइनस इमरान खान जो गाल बुधी छन। इमरान खान के वन से जमहूरियत की भी तदावेड़ थी वेंदी। सिंध सरकार कोरोना इमरजेंसी लाए कॉन्ट्रैक्ट से भर्ती कल 196 डॉक्टर्स के बरतरफ कर छो। सेहत खाते जारी कल नोटिफिकेशन में जाना है तो कोरोना इमरजेंसी लाए भर्ती कल 196 डॉक्टर्स के नाकस कारकर्दगी सबब बरतरफ कर पे वो है। मकानी इदारन वाले खाते के 29 कामुरन के 16 मां 17 ग्रेड में तरक्की दिनी वही। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में कातिल वायरस कोरोना 34 मानुन का हयातियों खसे वरतियों। 2655 नवा केस सामू अची वह। वड़े वजीर मुराद अली शाह कोरोना बाबत अंग खर जारी कदे है तो कोरोना सबब फौतन जो अंग 1377 ए मुतासर जो अंग 44824 कराची में 686 हैदराबाद में 93 घोटकी में 76 सखर में 74 जामशोरों में 45 मेपुखास खैरपुर में 34 टंडोरहार में 32 जैकबाबाद में 28 नवा केस रिपोर्ट सांगड़ ए शहीद बेनजीराबाद में 23 लाड़काने में 22 शिकारपुर ए कंबर में 19 दादू में 13 उमरकोट में 12 बदीन ए नौशरो फिरोज में 9 नवा केस है। पाक फौज में पेरी औरत लेफ्टिनेंट जनरल मुकर्रर। मेजर जनरल निगाह जोहर के लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे से तरक्की दिनी वही। आईएसबीआर तरफा जारी कल पधराई है तो निगाह जोहर पेरी औरत मेजर जनरल है जैसे लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे से तरक्की मिली ए खेस पाक आर्मी में पेरी औरत सर्जन तौर मुकर्रर है।
अगोने सदर आसिफ अली जरदारी जा तोशाखाना रेफरेंस में जमानत जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत अगोने सदर की हाजिरी का छूट वाली दरख्वास्त रद्द कर छी। बुधनी दौरान वकील फारूक एच नायक दलील डींदे आसिफ जरदारी अगोणो सदर है, हू फरार थी केडा न वेंदो, वारंट जारी न कया वन। जज असगर अली रिमार्क्स दे हाँ ऑर्डर जारी थी चुको है, वापस न थो। आसिफ जरदारी के पते से तलबी नोटिस जारी थे बाद पेश न थो। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर दलील डींदे है तो यूसुफ रजा गीलानी के हाजिरी का छूट मिले मिली तो अज संदस वकील भी पेश न थो है। आसिफ जरदारी के का भी रियायत न डनी वे। अगोणो वजीर आजम राजा परवेज अशरफ रेंटल पावर स्कैंडल में नैब तरफा दाखिल कल पेरान गायब रेफरेंस में आजो करार, संदस बरीयत वारी दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत रेफरेंस में नामजद बन सत्तन जवाबदार के भी बरी कर छो। नैब रावलपिंडी तरफा राजा परवेज अशरफ खिलाफ साल 2014 में पेरान गायब रेफरेंस दाखिल किया वो हो। मथस पानी वाले वजीर तौर इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन का इल्ज़ाम लगया व। नैब राजा परवेज अशरफ की बरीयत वाले एहतसाब अदालत के फैसले के चैलेंज करने फैसलो कर वरतो। कोठड़ी की डीएचक्यू अस्पताल में महीनों अग उभम बारड़ी शिफा खास खेली के फौत थियण वाले वाके जो केस अदालती हुकुम से एमएस डॉक्टर हफीज आर आई ए ड्यूटी डॉक्टर खिलाफ दाखिल। एफआईआर में बारड़े के पी मौकफ इख्तियार किया है तो जैसे मां गैस्ट्रो में मुब्तला पंजी मासूम न्याणी के इलाज ला अस्पताल खड़ी आयुस तदें डॉक्टर रे अमलो नए एमएस जो इस्तकबाल कर रहा हुआ जैं दौरान इलाज न थियन करे मुझी धी फौती वही। एमएस जो चवण है तो केस के अदालत में मुंह दींदस का भी गफलत ना है कई बारड़ी अस्पताल पहुंचण का अग ही दम दई छो हो। पनो आखिल वेझो जाल ते मुबैना तौर तशद्दुद दौरान जवाबदार घर आरो गुजरण ता एक गोरहारी औरत के भी तशद्दुद जो निशानो बनायो। अमल जाया थियण जो खदशो, पुलिस नारी के लेटर दई अस्पताल मुंतकिल करे छो। नारी मूमल महर इल्ज़ाम मणियो है तो गुलाम अली महर जाल के मारकुट कर रो हो, जैं दौरान मां संदस घर आरो गुजरी रही हुयस उन मच्छर की जवाबदार मुख्य भी तशद्दुद जो निशानो बणायो। लाड़काने के चाणका अस्पताल में दवाओं की मुबैना चोरी वो मामलो, एंटी करप्शन जो चाणका मेडिकल अस्पताल के स्टोर से छापो। जरियन मूजिब टीम दवाओं के स्टॉक जो मुआइनो करणी वही, मीडिया के कवरेज की इजाजत न डनी वही। स्टोर के इंचार्ज बुधा तो सदन दवाओं की चोरी से को ताल्लुक ना है, बिना जवाब तंग कर पे वे। कंदकोट में गुजरियल ढी अगवा थियल बारड़ी अनिला बहलकानी ड्रामाई अंदाज में बाजियाब। अनिला के भा मुनीर बहलकानी है तो जवाबदार बारड़ी के भुंग लाए अगवा कर व्या हुआ, पर पुलिस के दबाव में अची खेस छे दिनों। बारड़ी के सख्त बुखार है और कुछ भी बुधायण की पोजिशन में ना है। पुलिस चवण है तो गुजरियल ढी बारड़ी के अगवा वाले वाके का सजे शहर की नाकाबंदी कई, भजन जो दग न मिलने जवाबदार नींगरी के छे फरार थी व्या। आए सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कराची जो नालो तब्दील करे शाहिद हयात ट्रेनिंग सेंटर रखन खिलाफ पीपी शहीद भुट्टो के सर से हैदराबाद सखर पनवाखिल नसीराबाद शाहपुर चाकर थरड़ी मोहब्बत ए बन शहरों में एतजाजी मुजाहरा। अगवाणों है तो मीर मुर्तजा भुट्टो के कातिल के नवाजण सिंध हुकूमत की बदनीयती है, वो अड़े फैसले के कदें भी तस्लीम न कंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ से गए आऊं मैं ताहिरा वजीर। हेडलाइंस हमारे टियों तफसीली खबरों शॉर्ट ब्रेक हम पर।